हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात मोटिवेशनल। आज हम बात कर रहे हैं मिस्टीरियस वंडर्स इन इंडिया पार्ट 4 के बारे में। अभी तक हमने मिस्टीरियस वंडर्स इन इंडिया के 3 भाग देखे। आज हम पार्ट 4 में 4 नए मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे जिनको सुलझाना नामुमकिन है। हमारी पहली मिस्ट्री है द मिनी डेजर्ट एट तलकाड। तलकाड का छोटा रेगिस्तान भारत के कर्नाटक में कावेरी नदी के बाएं किनारे पर मैसूर से 45 किलोमीटर और बेंगलुरु से 133 किलोमीटर दूर है। ये रेगिस्तान कभी एक खूबसूरत शहर था। एक समय था जब यहाँ 30 से अधिक मंदिर थे, लेकिन अब अधिकांश मंदिर रेत में डूबे हुए हैं। ये शहर कैसे रेगिस्तान में तब्दील हो गया, आज तक इसके बारे में कोई नहीं बता पाया। दूसरी मिस्ट्री है शिवपुर महाराष्ट्र स्टोन मिस्ट्री। शिवपुर महाराष्ट्र के पुणे में 180 किलोमीटर पूर्व में एक छोटी सी जगह है जो अपने उड़ने वाले पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि यदि 11 लोग पत्थर पर अपनी उंगली छूते हैं और कमर अली दरवेश का नाम चिल्लाते हैं तो पत्थर हवा में उड़ने लगता है। इस पत्थर का वजन लगभग 90 किलो के आसपास है। अगर 11 लोग इस पत्थर को सूफी संत का नाम लेकर उठाते हैं तो ये पत्थर एक उंगली पर उड़ जाता है। सभी 11 लोग अपनी अपनी एक एक उंगली ही पत्थर पर लगाते हैं और ये उड़ने लगता है। भारत के कई रहस्यों में ये रहस्य भी है जो अभी तक अनसुलझा है। मुंबई से हमारी तीसरी मिस्ट्री है डूमस बीच। गुजरात के सूरत शहर के दक्षिण क्षेत्र में डूमस बीच है। डूमस बीच को प्रेतवादित मानने का सबसे बड़ा दुखद कारण यहाँ की हवा में गूंजने वाली अलौकिक फुसफुसाहट है। लोगों ने सुना है जो ऐसा लगता है जैसे वे छाया से उत्पन्न होते हैं, दबी हुई बड़बड़ाहट जो उनकी आत्मा की गहराई में समा जाती है। ये आवाज़ें सुनसान रातों में गूंजती रहती हैं। यहाँ भयानक परछाइयाँ देखी जाती हैं। ये इतना भयानक कब और कैसे हुआ, आज तक कोई नहीं बता पाया। हमारी चौथी मिस्ट्री है कामाख्या देवी टेम्पल। कलिका पुराण के अनुसार कामाख्या मंदिर उस स्थान को दर्शाता है जहाँ सती शिव के साथ अपने प्रेम को संतुष्ट करने के लिए गुप्त रूप से संन्यास लेती थी, और ये वह स्थान भी था जहाँ शिव तांडव के बाद उनकी योनि गिरी थी। नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित ये मंदिर तंत्रिका उपासकों और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। कामाख्या मंदिर आसाम में गुवाहाटी में स्थित है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। हर साल यहाँ अंबुबाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का ये लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। आपको बता दें, कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस वाला होता है तो सफ़ेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब ये वस्त्र लाल हो जाता है। ये कुछ ऐसे आश्चर्य हैं जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, मिस्टीरियस वंडर्स इन इंडिया का ये भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कल मिलेंगे मिस्टीरियस वंडर्स इन इंडिया पार्ट 5 को लेकर। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।